गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारा पहला वीडियो त्रिकोणमिति के थीटा के मानों पर था। आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति के निष्पत्तियों का सूत्रों को सरलता से किस प्रकार याद किया जाए। इससे पहले यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। देखते हैं त्रिकोणमिति की छह निष्पत्तियाँ होती है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। इनके सरलतम सूत्र को, इनके सूत्र को किस प्रकार सरलता से याद किया जाए, तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा, ये कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ठीक है। त्रिकोणमिति की यही छह निष्पत्तियां होती हैं, जिसमें साइन, कॉस, टैन एंड कोसेक, सेक, कॉट होता है। ये थीटा जो होता है ये त्रिभुज से लिया जाता है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इन सूत्रों को जैसे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, हालांकि लंब को आप एल, कर्ण को के से आप दिखा सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, अर्थात आधार को ए अपान कर्ण को के आप दिखा सकते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, ठीक है, इसको एल अपॉन ए लिखा जा सकता है। ओके, जब आप तीन फॉर्मूलों को तैयार कर लेंगे तो इस आधार पे साइन का जो उल्टा होता है वो कोसेक होता है, अर्थात कोसेक थीटा जो होगा वो साइन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब, ठीक है, अर्थात के अपॉन एल। ओके, सेक थीटा जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो जब कॉस को उल्टा करेंगे तो यह हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, इसे आप के अपान ए लिख सकते हैं। कॉट थीटा जो होता है वो टैन का व्युत्क्रम होता है, तो यदि जब टैन को व्युत्क्रम किया जाएगा, इसे पलटा जाएगा, तो यह आधार बटे लंब हो जाएगा, अर्थात कॉट थीटा इज इक्वल टू आधार बटा लंब, इसे क्या होगा एल अपान ए। ये छह सूत्र होते हैं। इन छह सूत्रों को याद करने के लिए हमारे पास एक ऐसा ट्रिक है, एक सरल उपाय है, जिससे आप दो मिनट के अंदर इन सभी सूत्रों को याद कर सकते हैं। बस आपको ध्यान से इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखते रहिएगा, हम आपको इसको याद करने का एक सरल उपाय बताएंगे। ओके, देखिए, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा, टैन थीटा या कॉट थीटा, सेक एंड कोसेक दिए हैं, तो आप इनको याद कैसे करेंगे सरल तरीके से, तो ध्यान से देखेगा इस वीडियो को कि सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक शब्द को लेते हैं, ठीक है, शब्द है एल ए, एल अपान के, के ए। ओके, यदि आप इस शब्द को पढ़ेंगे तो यह लाल बटा कक्का है, क्या, लाल बटा कक्का, तो जैसे लाल बटे कक्का है तो लाल एल ए एल, तो देखिए यहां मान लिए कि यह साइन है, यह क्या है कॉस है, यह क्या है टैन है, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, टैन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। ध्यान से देखिएगा, इस सभी सूत्रों को तैयार करने का एक बहुत सरल उपाय है। जैसे साइन थीटा, साइन थीटा एल अपान के, एल अपान एल का मतलब लंब बटे कर्ण, इसी प्रकार कॉस, कॉस को क्या करेंगे आधार बटे कर्ण, टैन लंब बटे आधार, एल से लंब ए से आधार। देखिए ये लाल बटे कक्का, ये लगभग छह वर्ड्स हैं, इन सिक्स वर्ड्स को ध्यान से समझिए। जब आप ऊपर से देखेंगे तो यह लंब बटे कर्ण होगा, कॉस का आधार बटे कर्ण होगा, टैन का लंब बटे आधार होगा। उसके बाद जब आप इसे नीचे से देखना शुरू करेंगे, अर्थात कोसेक का कर्ण बटे लंब होगा, सेक का कर्ण बटे आधार होगा एंड कॉट का आधार बटे लंब होगा। देखिए ये छह सूत्रों को आपने कितनी सरलता से, सहजता से इसे तैयार कर लिया है। हम पुनः एक बार रिपीट करना चाहेंगे। देखिए ये साइन थीटा जो है लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, टैन लंब बटे आधार, कोसेक कर्ण बटे लंब, सेक कर्ण बटे आधार, कॉट आधार बटे लंब। देखिए ये सरल तरीका, आप कुछ नहीं याद करेंगे, आप याद करेंगे लाल बटे कक्का, इसी के आधार पर आप किसी भी स्थान पर रहें आप इस सूत्र को बना सकते हैं।